हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जय अम्बे और जय जगदम्बे। कन्या पूजन आने वाला है और सभी लोग कन्फ्यूज्ड हैं कि कब करना है कन्या पूजन। तो सबसे श्रेष्ठ होता है अष्टमी के दिन करें, और नहीं तो नवमी को भी कन्या पूजन किया जा सकता है। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप इसे सही ढंग से और सम्मान पूर्वक करें, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कन्या पूजन के लिए जहाँ तहाँ से कन्याओं को पकड़ के रास्ते से नहीं लाना है। एक दिन पहले ही छोटी कन्याओं को सादर निमंत्रण दें। सुनिश्चित करें कि निमंत्रण आप बहुत ही आदर के साथ, प्यार से, प्रेम से और शिष्टाचार से देकर के दीजिए। और अगले दिन जब वो आ जाएं तो उनको ज़मीन पर इस तरह से नहीं बैठाना है। आपको ध्यान रखना है उनको प्रॉपर आसन दे करके, जिस प्रकार से माता रानी आए तो आप उनका स्वागत करेंगे, बड़े गर्म जोशी से उनका स्वागत करें और उनके अपने हाथों से उनके चरण धोने चाहिए। आप चाहें तो जल से धो सकते हैं, दूध से धो सकते हैं। और इसके बाद पैर धोने के बाद आप धोने के लिए जो इस्तेमाल किया गया पानी या दूध है उससे अपने आँखों पर और सिर पर लगाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि जो भोजन आपने बनाया है उसमें प्याज लहसुन आदि ना हो, सात्विक भोजन हो और बड़े प्रेम से उसे सच्ची श्रद्धा से माता रानी के भोग के बराबर बनाया गया हो। बहुत ही सावधानी से आलू, हलवा, पूरी, चना आदि, खीर, ये माँ के लिए आप तैयार करें। और सबसे पहले माता रानी को भोग लगाएं, थोड़ी जोत लें, इसके बाद ही कन्या भोजन कराना चाहिए। अनुष्ठान के दौरान भैरव का प्रतिनिधित्व करने वाला एक बच्चे को भी, आपको लड़के को भी, जिसको लुक्कड़ कहा जाता है, उसको भी अवश्य बुलाना चाहिए। ध्यान रखें पूरी जो भी कन्या पूजन हो इस दौरान बच्चों से कड़ा ना बोलें, गुस्सा ना करें। बच्चे अगर कुछ गिरा रहे, गंदगी कर रहे हैं तो उनको डांटे नहीं, अपने शब्दों पर ध्यान दें। कोई भी अपमानजनक व्यवहार आपको जो कन्याएं आएंगी या बटुक आएंगे उनके साथ आपको नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखें भोजन के बाद सभी का आशीर्वाद अवश्य लें, और कुछ ना कुछ उपहार हो, दक्षिणा हो, मिठाई हो, फल हो, ये आपको अवश्य देना चाहिए। तो दोस्तों, कन्या पूजन करेंगे, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य आपको रखना है। और अकेले नहीं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी कन्या पूजन कर रहे हैं, सभी से इन छोटी छोटी बातों को रिमाइंडर के तौर पर शेयर करते रहा करें। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।